नमस्कार, देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा रावत। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। केदारनाथ गर्भगृह का फोटो वायरल होने से तीरथ पुरोहित कांग्रेस नाराज, अजेंद्र के बयान पर सियासत तेज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, सीएम धामी और धन सिंह रावत कल रैलियों को करेंगे संबोधित। कमजोर पैरवी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, UK SSC के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जांच की मांग। गुरुकुल कांगड़ी वीवी में वर्चस्व की जंग, चार्ज लेने पहुंचे नवनियुक्ति वीसी के दफ्तर में तालाबंदी। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनेंगी लखपति, 4 नवंबर को सीएम धामी योजना का करेंगे शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने की परत लगाने को लेकर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की वायरल तस्वीर ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक अजेंद्र अजय की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नजर आ रहे हैं, जबकि गर्भगृह के अंदर तस्वीर लेना वर्जित है, जिस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमाचल चुनाव में 30 अक्टूबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम धामी की 3 रैलियां चौपाल, पछाद और पाटवा साहिब में होगी। इन रैलियों को लेकर हिमाचल की जनता में उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कमजोर पैरवी के चलते इस मामले में एक एक करके आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है। ऐसे में इस मामले की जाँच CBI को सौंपे जाने के साथ ही आयोग के पूर्व अध्यक्ष की भी जाँच होनी चाहिए। उत्तराखंड की जाने माने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में इन दिनों कुलपति और सचिव की नई नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नए कुलपति जॉइनिंग को लेकर अपने दफ्तर तक में नहीं जा सके। उत्तराखंड की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सीएम धामी आगामी 4 नवंबर को प्रदेश में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में इस योजना के तहत 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। हिमाचल की जनता विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड जैसा इतिहास नहीं लिखेगी, बल्कि इस बार BJP को जयराम जी ही कह देगी। हिमाचल की जनता विकास की हत्या करने के लिए प्रदेश की कमान उत्तराखंड की तरह BJP के हाथों में नहीं सौंपेगी। ये बयान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है। इसके अलावा उन्होंने BJP पर कई और कटाक्ष भी किए हैं। हरिद्वार में बिना पासपोर्ट एवं वीजा के अपने 3 बच्चों के साथ रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला UP पुलिस द्वारा दादूपुर से गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी अली नूर की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी कंफर्मेशन आने की बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाबा केदार की चल विग्रह डोली शीतकाल 6 माह के लिए ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। ऐसे में अब आगामी 6 महीनों तक यही बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। वही बाबा केदार की चल विग्रह डोली का गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचाने पर भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर PCS मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। लगातार प्री परीक्षा में नए क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की ओर से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग की जा रही है, लिहाजा अब आयोग ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया है। इस बार शीतकाल में जो भी साधु संत गंगोत्री धाम समेत आसपास के कंधाराओं में रहेंगे, उन्हें अपना सत्यापन कराना होगा। गंगोत्री धाम में उत्तरकाशी पुलिस की ओर से पहली बार ये पहल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं, अब सत्यापन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।